अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज जो आपकी होस्ट आपके लिए रिश्ता लेकर आई है बहुत ही प्यारा है और हमेशा की तरह आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, डिटेल्स की जानिब जाने से पहले मैं उन भाइयों से, उन दोस्तों से कहती हूँ जो कि मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ आप जल्दी से काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रोज़ाना की अपडेट्स, वीडियोस और रिश्तों से आगाही हासिल करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के नीचे बेल आइकन का बटन है, आप उस पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि रोज़ाना की जो अपडेट्स, वीडियोस, रिश्ते होते हैं उनसे आप आसानी से आगाह हो सकें। अच्छा तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और प्लीज़ प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। अच्छा तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के रिश्ते की तफसील की जानिब। लड़की का नाम फ्रेंड्स रानी है, तालीम इसकी एफ़ए है, बेवा है और ये लड़की जो है दोबारा शादी करना चाहती है, इसको मुनासिब रिश्ते की तलाश है। इसका कहना है कि चाहे रिश्ता पाकिस्तान में मिले या पाकिस्तान के बाहर, इसको मंजूर है, लेकिन लड़का जो है लाजमी अच्छा होना चाहिए, अच्छे अखलाक व किरदार का मालिक होना चाहिए, मुनासिब कमाने वाला होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी औलाद इसकी नहीं है, दोबारा शादी करना चाहती है, दोबारा से अच्छा जीवन साथी चाहती है। अगर आप में से कोई इस लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद है तो ज़रूर ज़रूर रब्ता कीजिए। एज अभी भी इसकी इतनी नहीं है, तकरीबन 28 साल है और इसका कहना है कि पहली दूसरी शादी करने वाले जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं और मेरे होने वाले शोहर की एज जो है तकरीबन 30 से 50 के दरमियान हो तो वही लड़का जो है रब्ता कर सकता है। इस लड़की का कहना है माशाल्लाह से अच्छे अखलाक व किरदार के मालिक है, खूबसूरत है, हर किसी के साथ अच्छे सलूक से पेश आने वाली है, नसीब वाला होगा जिसको ये लड़की मिलेगी। फ्रेंड्स, पहला शोहर जो है इसका इंतकाल कर चुका है, दोबारा शादी करना चाहती है। दोबारा से कहूँगी अगर आप में से किसी को ये लड़की पसंद है तो ज़रूर ज़रूर रब्ता कीजिए। रब्ता करने में बिल्कुल भी देर ना कीजिए, आपको पता होगा कि आपने अपने बायोडाटा में क्या क्या लिखना है, क्योंकि मैं तकरीबन हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने बायोडाटा में क्या क्या लिखना होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का रिश्ता भी आपको पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।